हम लोग अभी अभ्यास दो कर रहे हैं और अभ्यास दो में स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और मूलतः देखें तो चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का, जड़ को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास एक में हमने स्वयं को ध्यान दिया और चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास किया। अभ्यास दो में चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और उसी को विधिवत क्रमशः स्टेप्स में कर रहे हैं। और आप जितना जितना इन स्टेप्स के अनुसार चलेंगे, आप इसको देख पाएंगे कैसे हमारे देखने की तीव्रता बढ़ती जा रही है, सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है। हमने तो स्टेप वन में दो तरह की वास्तविकताओं को पहचानने का अभ्यास किया, एक मैं और एक शरीर। इसके बारे में हमारे पास परिचय तो है, हमने सुना भी है, हमने इसको जांच के देखने का प्रयास भी किया है, अपनी सहस्त्र ग्रीवा पे जांचा परखा भी है। अब उसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे कि क्यों ना इसको जैसा है वैसा देख लिया जाए, चैतन्य को चैतन्य की तरह देख लिया जाए, जड़ को जड़ की तरह देख लिया जाए, उनके अंतर संबंध को देख लिया जाए। स्टेप वन में हमने इन दो वास्तविकता को पहचानने का अभ्यास किया। स्टेप टू में मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया। तो दिखता है कि यह आदान प्रदान सिर्फ सूचनाओं का है। मैं शरीर को संकेत देता हूँ जो सूचना है। शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ समयानुसार, आवश्यकता अनुसार। और ये जो संवेदना मुझे प्राप्त हो रही है, ये भी एक सूचना है। तो मेरे और शरीर के बीच सूचना का ही आदान प्रदान हो रहा है, ना कोई भौतिक रासायनिक नहीं। स्टेप थ्री में इस बात को देखने का अभ्यास हम कर रहे हैं कि ये जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसका निर्णय कौन ले रहा है। यही हम लोगों ने कल अभ्यास लिया था और उसको भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न अवसरों पर, भिन्न भिन्न है ना क्षणों में देखने का अभ्यास कर रहे हैं कि इसका होश हो जाए। आप पाएंगे कि आप इस स्टेप को हो सकता है पूरा ना कर पाए, परंतु जितना जितना इसको करने जाते हैं ना, आपको मैं और शरीर का होश बढ़ता जाता है। कोई भी काम करने से पहले आपको दोनों वास्तविकताएं दिखाई देती हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी हूँ, शरीर भी है। अगला बोल रहा है तो वो भी है और शरीर भी है। वो शरीर नहीं है ना, मैं शरीर हूँ, है ना। इस तरह से हम जब भी मानव के साथ निर्वाह कर रहे होते हैं, अपने छोटे बच्चे को भी गोद में उठा रहे हैं, तो दिखता है कि मैं भी है और शरीर भी है, दो वास्तविकताएं हैं ना। बुजुर्ग माता पिता की भी सेवा कर रहे हैं तो दिखता है कि मैं भी है और शरीर भी है। तो ये होश हमारा बढ़ता जाता है। तो शरीर के साथ अपने प्रत्येक आदान प्रदान के दौरान देखें क्या करना है, इसका निर्णय कौन ले रहा है, आप स्वयं या शरीर। तो नियमित गतिविधियों के लिए इसका निरीक्षण करें। उदाहरण के लिए चलते समय क्या शरीर स्वयं चलने का निर्णय ले रहा है या आप निर्णय ले रहे हैं और फिर शरीर को ऐसा करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। क्या शरीर किसी विशेष दिशा में जाना चुन रहा है या आप चुनाव कर रहे हैं और शरीर को ऐसा करने का निर्देश दे रहे हैं। कुछ खाते समय ध्यान दें, खाने का निर्णय कौन करता है, आप या शरीर। क्या शरीर स्वचालित रूप से भोजन को मुंह में डाल रहा है या आप उसे ऐसा करने का निर्देश दे रहे हैं। भोजन के स्वाद का आनंद कौन ले रहा है, आप या शरीर। जब आप जागते हैं लेकिन बिस्तर से बाहर निकलने का निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो कौन निर्णय ले रहा है, उठना है या और अधिक सोना है, आप स्वयं या शरीर। तो ऐसे कुछ उदाहरण है। दिन भर में हम इतनी तरह की हरकतें करते हैं, हजारों हरकतें करते हैं, उनमें से हर एक हरकत में देख सकते हैं। इसी को हमने ये भी अभ्यास किया था कि किसी कार्य को धीमी गति से करें और ऑब्जर्व करें कि मेरा रोल क्या है, शरीर का रोल क्या है, कब निर्णय हुआ, है ना। हमने एक खाज भी किया अपने पैर पे कि कब निर्णय हुआ, किसने निर्णय लिया, हाथ अपने आप चला गया या मैंने निर्णय लिया। तो इसमें जितना जितना होश पूर्वक देखेंगे उतना आपको चैतन्य का होना भी स्पष्ट होगा कि जितना भी निर्णय लेने का काम है वो सारा चैतन्य में हो रहा है। जड़ तो एक बहुत ही रासायनिक इकाई है, इसमें जड़ क्रियाएं हो रही है ना, इसमें पहचाना निर्वाह करना मात्र है। ये शब्द हमें मिला है, इसके अर्थ में जानना है। तो पहचाना निर्वाह करने का मतलब कोई निर्णय नहीं, उसकी जिस तरह की बनावट है, जैसे प्राण कोशाएं हैं, उसके अनुसार उसका निर्वाह हो रहा है। पर जब मैं उससे जुड़ता हूँ है ना, तो मेरा निर्णय उसमें जुड़ जाता है। तो अपने शरीर को आप बारीकी से देखेंगे तो आप पूरे शरीर को किस प्रकार से जीवंत बना के रखते हैं, किस प्रकार से शरीर का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से शरीर से आने वाली सूचना को पढ़ते हैं, आगे उसको अर्थ देते हैं, तो इसके आधार पर आप सुखी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या आराम में रहते हैं, ये सब अपने को दिखाई देगा। तो इसको ही अपने को अभ्यास करना था।
अगर आपने इसको विधिवत किया हो, कुछ नोट किया हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। भैया ये जो अभी हमने मतलब ओपन किया है स्टेप 2 और उसके 1 2 3 इधर से एक के पीछे एक देख रहे हैं। कल भी दिन भर मैंने काम किया और शाम को जब टीम डेवलपमेंट की मीटिंग हुई और अभी भी मॉर्निंग में गोपाल बाबू की डिस्कशन में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी आ गया, इसके पहले नहीं था, कि थकता कौन है, बॉडी थकती है कि सेल्फ थकता है। लेकिन मेरा मानना ये है, कुछ डिस्कशन से ये निकल के आया कि जैसे सेल्फ में कुछ कॉन्ट्रेडिक्टरी थॉट्स चलते हैं, बहुत सारा इमेजिनेशन होता है या कुछ, तो उससे थके जैसा लग सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी इमेजिनेशन करने वाला वो सेल्फ ही है, या जैसे बॉडी टेक्स रेस्ट एट नाइट, क्योंकि बॉडी थक गई है वो, तो उस वक्त अपने को ऐसा लग सकता है कि सेल्फ थोड़ा मतलब एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू कम हो गया है। लेकिन सेल्फ थकना नहीं चाहिए भैया, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ जो है इट इज जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड 24/7, या नर्सेस इन द आईसीयू दे कैन नॉट स्लीप, पेशेंट्स आर स्लीपिंग, बॉडी इज टेकिंग रेस्ट, बट सेल्फ इज ऑल द टाइम एक्टिव और इट इज नॉट गेटिंग टायर्ड, या कभी कभी टायर्ड भी हो सकता है क्या? यही क्वेश्चन जरा हमारा कल से चल रहा है। प्लीज भैया, थैंक यू। वही तो अपने आप में देखे हैं, जैसे आप थकते हैं कि नहीं, हाँ बॉडी थकती है, बॉडी थकता है या आप भी थकते हैं? यही देखना चल रहा है। हाँ नहीं, इसी को देखना है कि बॉडी थकता है तो आपको दिखता है, जी सुबह उठे शरीर में ऊर्जा है ना, दौड़े भागे, काम किए, मेहनत किए, पसीना निकाले, थोड़ी देर बाद जी शरीर थक गया, आपका क्या हुआ? आप तो निरंतर है, एक्टिव है, काम कर रहे हैं, आप चल रहा है, तभी तो मैं समझो 5 बजे उठना है, बॉडी सो रही थी लेकिन आप जग रहा था, उसने बराबर जगा दिया कि नहीं भैया 4:45 हो गया, आपको उठना है, या आपने मुझे सिग्नल दिया, मतलब आपने बॉडी को शरीर को सिग्नल दिया। सेल्फ तो आप एक्टिव है, ठीक सेल्फ है, नहीं, हाँ, तो इसको अपने लिए जी ऑब्जर्व करें कि जी जब शरीर थक रहा है तो आपका क्या हो रहा है? आप थक नहीं रहे, आपकी एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो गई क्योंकि उसके लिए कुछ काम नहीं है, मतलब इमेजिनेशन तो चल ही रहा है, इसीलिए हम सपने देख रहे हैं, मतलब मच्छर बैठा रात में, बॉडी सो रही है, मतलब बॉडी रेस्ट कर रही है, लेकिन मच्छर बैठा तो हाथ से उसको हटा रहे हैं, हमको लग रहा है, इसका मतलब सेल्फ तो सो नहीं रहा है। सो नहीं सकता भैया, थोड़ा कल से मतलब सही में बहुत ही कभी मतलब उसके दो दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेल्फ टायर्ड हो भी सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि सिंस सेल्फ इज कंटिन्यूअस निरंतर अगर है, अब निरंतर वाला आदमी रुकेगा कैसे, मतलब रुकना है तो थकना है, रुकना भी है क्या, ये भी थोड़ा देखना है, ये मतलब तो मैं देख रहा देखिए, हूँ जी। अभी थकना और है ना निष्क्रिय हो जाना, ये दो अलग चीजें हैं। दो अलग चीजें, तो शरीर भी थक बिल्कुल रहा है ना, बट क्रिया तो शरीर में बनी हुई है ना, तो वैसे जी क्रिया आप में बनी हुई है, जी। तो आपके थकने का क्या मतलब हुआ? तो इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि अगर मेरे विचारों में द्वंद्व है, अंतर विरोध है, मेरी इच्छाएं मुझे स्पष्ट नहीं है, है ना, करेक्ट मुझ में डिसहार्मनी है, तो मैं थकता अच्छा, हूँ। उसी को श्रम कहते हैं कि मुझ में श्रम बढ़ गया है ना, मुझ में बॉडी में नहीं, शरीर का श्रम नहीं बोल रहे अपन, मैं का श्रम बोल रहे, मैं को ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, बराबर हाँ, तो मैं में स्पष्टता नहीं है, मुझे संबंध स्पष्ट नहीं है, संबंधों का निर्वाह करने के लिए विचार करता हूँ, ठीक, जी और जो निर्वाह होता है उसे उभय सुख होता नहीं, तो अपने आप में मैं अंतर जी विरोध में चला जाता हूँ। जी मैं व्यवस्था में भागीदारी करने का निर्णय लेता हूँ, बट व्यवस्था स्पष्ट नहीं है, फल परिणाम आते हैं, जी दुखी हो जाता हूँ। जी तो इसको कह रहे हैं थकना, मैं का थकने का मतलब इतना ही है कि मैं में तृप्ति की निरंतरता नहीं है भैया भैया शरीर। एक ही मिनट में यहाँ रोकना चाहूंगा, मैं थक जो दुखी हो जाता हूँ वर्ड अपन यूज किया, लेकिन मुझे तो कोई दूसरा दुखी नहीं कर सकता, मैं ही खुद को दुखी करूंगा, बिकॉज स्टेप वही नंबर तो, आप खुद, वन वही तो, आप खुद को नहीं, थकाते रहते हैं। एक्सरसाइज 1 स्टेप नंबर 4, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, अगर मैं खुद को दुखी कर रहा है तो मैं ही जिम्मेदार है, दूसरा तो मुझे दुखी कर ही नहीं रहा, तो फिर वही मैं तो, क्यों आप करूंगा। जी 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 थोड़ा थकने सा के लिए प्लीज। आप ही जिम्मेदार हैं। हाँ।
आप पूरा कीजिए प्लीज। आप ये जो थक रहे हैं इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, वो तो जी जिम्मेदारी तय करने की आगे की बात है। बट थकने का मतलब क्या हुआ कि मैं आराम की स्थिति नहीं हूँ, परेशान हो रहा हाँ है, ठीक जी है ना। जी शरीर का मतलब ये हुआ कि शरीर में जो प्राण कोशिकाएं हैं उसमें वायु की कमी हो गई है, या जिनसे उनको ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा की कमी हो गई है, तो जी शरीर थक रहा है। तो शरीर को हम भोजन कराते हैं तो शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है, आराम देते हैं शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जी जिस प्रकार से हम शरीर का निर्वाह करते हैं उसमें शरीर की ऊर्जा घटती बढ़ती रहती है, और अभी जिस तरह से निर्वाह कर रहे हैं उसमें मेरी ऊर्जा भी घटती बढ़ती रहती है। तो शरीर की ऊर्जा भी सापेक्ष है, मेरी ऊर्जा भी सापेक्ष है, घटना बढ़ना दोनों में होता रहता है। इतना जी ही है कि मुझे जब सही समझ सही भाव सुनिश्चित होता है मुझ में, तो मेरी क्रियाशीलता एक प्रकार से बनी रहती है। हर क्षण मैं अपने आप में आराम में रहता हूँ, लय में रहता हूँ। शरीर में तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है जिसमें इसकी निरंतरता हो जाए, क्योंकि ज्ञान समाधान तो मुझ में होना है, शरीर में तो होना नहीं है। तो शरीर को बराबर हम श्रम करते हैं उससे, और थकता है फिर उसको भोजन कराते हैं। तो जी शरीर का थकना भी होता है, मेरा थकना भी होता है। तो मेरा थकना एक समय के बाद दूर हो जाता है जब मेरे अंदर सही समझ सही भाव होता है, मैं हर क्षण अपने आप में समझ सुख में उत्साह की स्थिति में रहता हूँ, शरीर काम करता रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शरीर तो थकता है, ये सबको दिखता है, ये सब ये, लेकिन मैं भी थक सकता है कब कब, अगर मैं सही समझ सही भाव से नहीं रहता हूँ। बहुत सारे कॉन्ट्रेडिक्शन है, अननेसेसरी थॉट्स लाता हूँ, जैसा मैंने उड़ना चाहिए, जैसा पहले बॉडी उड़े, या ऐसे अगर कुछ क्या बोलते, थकाने वाले थॉट्स अगर आए तो मैं भी थक सकता है। जी भैया हाँ और क्या, तो बराबर है ना, मतलब मैं थक सही तो सम इसको अभी इसको बोलिए। आप कहिए मैं थक सकता हूँ, तो अभी ना आपने देखे मैं थकता हूँ कि नहीं। देखिए ये मैं को कोई थर्ड व्यक्ति ना माने, हम कोई थर्ड एंटिटी नहीं है, ये मैं ही हूँ। तो मैं मैं हूं अपने आप पर में देखूँ कि मैं थकता हूँ कि नहीं, कब थकता हूँ, क्यों थकता हूँ, कैसे थकता हूँ, इसको देखें हम अपने आप में। जी, बहुत मतलब कल के हमारे डिस्कशन में निकला है पॉइंट, तो कल से ही चल रहा है, तो मैं भी थक सकता है। अभी तो अपन इतना मान लेते हैं, जैसे आपने बताया सही समझ सही भाव नहीं है, इरिटेशन आ गया है ना, कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया है, तो जरूर थकेगा मैं। जी भैया जी, जी अब थकेगा नहीं, थकूंगा कहिए। और ये भी देखिए मैं थकता हूँ कि नहीं, उसको दिन में ऑब्जर्व करिए आप, कि ठीक कभी आप उत्साहित होते हैं कभी हतोत्साहित होते हैं। तो हाँ। हतोत्साहित होने का मतलब क्या हुआ, थक गए, अब प्रयास करने की इच्छा नहीं रही। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो कल जो चर्चा हो रही थी और अभी जब स्टेप टू का हम अभ्यास की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो जो मेरे ध्यान में आया वो ये कि हमें एक ही बात पर ध्यान देना है कि हमारी ज्ञानेंद्रिय और हमारी कर्मेंद्रिय वो उनका तालमेल हो जाए। यदि वो हो जाता है तो उन दोनों के बीच में जो हमारा सेल्फ है वो कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव हो जाता है, या सेल्फ को तो पता है लेकिन जो इन दोनों के बीच में जो उलझन होती है उसमें वो उलझ जाता है, ये कह सकते हैं क्या? देखिए ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के बीच तालमेल बैठाने का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि जो मैं सूचना ले रहा हूँ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वो हाँ सही समझ सही भाव के साथ ले रहा हूँ कि नहीं, और जो निर्णय दे रहा हूँ कर्मेंद्रियों को वो मैं सही समझ सही भाव के साथ दे रहा हूँ कि नहीं। और निर्णय सिर्फ मैं कर्मेंद्रियों को नहीं दे रहा हूँ, मैं ज्ञानेंद्रियों को भी दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब सेल्फ में सही समझ सही भाव होगा तो इन दोनों का तालमेल अपने आप हो जाएगा, ये कह सकते हैं। इन दोनों के तालमेल की भी आवश्यकता नहीं है ना। जैसे मैं आंखों से कुछ देख रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ और हाथ से कुछ कर रहा हूँ। अब ये हाथ में कुछ भी कर रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, इनके बीच में तालमेल हो इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है कि जो आंखों से देख रहा हूँ उसको मैं क्या अर्थ दे रहा हूँ, वो अर्थ सही अच्छा समझ सही भाव के आधार पर दे रहा हूँ कि नहीं। हाथों को जो मैं निर्देश दे रहा हूँ उसके आधार में क्या है, सही समझ सही भाव है कि नहीं। तो मूल में तो मैं हूँ, है ना, आंखों से नहीं कुछ देख रहा हूँ तो भी हाथ को निर्देश दे सकता हूँ, और आंखों से देख रहा हूँ बट हाथ को मैं निर्देश नहीं भी दे सकता हूँ।
तो मेरे निर्णय की बात है। इन दोनों को जो तालमेल कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो मैं सूचना का आदान प्रदान कर रहा हूँ वो तो सही समझ सही भाव के साथ कर रहा हूँ कि नहीं। नहीं तो फिर क्या होता है, बाहर से कोई सूचना आती है उससे मैं सुख को जोड़ लेता हूँ। किसी ने मुझसे कुछ कहा तो शब्द कान में पड़े और मैं उसके साथ ये अर्थ जोड़ता हूँ कि ये मुझे अपमानित करना चाहता है। अब मेरा दुख शुरू हो गया। ठीक है ना, जी। और एक और ऑब्जर्वेशन मेरा है, जो मेरा आजकल ये एक बात आने लगी है ध्यान में कि कुछ भी हो मेरा भाव जो है वो बना रहना चाहिए, मतलब मेरा भाव बिगड़ना नहीं चाहिए। वो बात अंदर से ही मेरे अंदर से, जैसे कुछ भी परिस्थिति हो बाहर की, लेकिन अंदर से एक ही आवाज आती है कि मेरा भाव बिगड़ना नहीं चाहिए, मेरा भाव बने रहना चाहिए। ये एक और ऑब्जर्वेशन अभी पिछले एक आध हफ्ते से मेरे ध्यान में आ रहा है। जी बढ़िया दीदी, ये तो ठीक है क्योंकि मेरा भाव जी ठीक रहे ये मेरी जिम्मेदारी है। तो बाहर कोई भी घटना हो रही है मेरा भाव तो ठीक बना रहे, और उसको भी हठ पूर्वक नहीं समझ कर करना है। ऐसा ऐसा नहीं हाँ कि मैं समझ। अपने आप निर्णय लेने में तो भाव बिगड़ने नहीं दे। हाँ मतलब कहीं आवश्यकता है तो जोर से बोलना पड़े तो बोलना, पर मेरा भाव स्पष्ट होना चाहिए कि मैं जो भी करूँ वो समझ पूर्वक करूँ। या ये प्रैक्टिस और करनी है अभी, ये ऑब्जर्वेशन मतलब ध्यान में लाना है कि हाँ समझ चल रही है या हट है, ये दोनों चीजें आपने सही बताई। सो दैट आई विल प्रैक्टिस। अच्छा, मेरी आवाज रुक गई थी क्या? तो हाँ, बीच में अभी नहीं आ रही थी। मेरा भाव ठीक बना रहे है ये तो एक परिणाम है उसका, है ना। ये मुद्दा नहीं है कि अल्टीमेटली मेरा भाव ठीक रहा है, क्यों ठीक बना रहे है इसको समझना है। तो भाव ठीक बना रहे अच्छी बात है, बट भाव बिगड़ा ही क्यों या बिगड़ ही क्यों सकता है? तो जैसे अगर मुझे चाहना स्पष्ट है दूसरे व्यक्ति की, चाहना तो ठीक ही होती है, तो दूसरे के प्रति मेरे अंदर कभी विरोध का भाव आएगा ही नहीं। जो जितना ज्यादा इनकॉम्पिटेंट होगा उतना उसके प्रति जिम्मेदारी का भाव आएगा। अब मामला बिल्कुल उल्टा हो गया, जहाँ किसी के व्यवहार को देख कर मैं दुखी परेशान होता था, जितना बुरा व्यवहार उतना ज्यादा दुख, ऐसा था। अब उल्टा हो गया, जितना बुरा व्यवहार उतना मेरे अंदर जिम्मेदारी का भाव। इसलिए तो भाई अलग से योजना बनानी पड़ेगी। हाईली इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति है, टेम्पर इतना लूज करता है ना, इतना वायलेंट हो जाता है, हाँ एग्रेसिव हो जाता है। तो मेरा भाव ना बिगड़े वो तो ठीक है, हो जाए अच्छी बात है, परंतु उसके मूल में जाना है कि क्यों ना बिगड़े और बिगड़ ही क्यों रहा है। तो अगर मेरे अंदर दूसरे की चाहना के प्रति आश्वस्ति है, उसकी क्षमता के प्रति आश्वस्ति है, उसके कार्यक्रम के प्रति आश्वस्ति है, उसकी योग्यता को बढ़ाने में अपनी भागीदारी दिख रही है, तो जितना अयोग्य व्यक्ति होगा उतना ज्यादा मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, समय रहते प्लानिंग करूंगा। जी जी भैया, ऐसी परिस्थिति में हम प्रपोजल्स ही तो दे सकते हैं व्यक्ति को और उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि वो सही समझ की तरफ जाए। हाँ, और सिर्फ सिर्फ परिस्थिति में नहीं देंगे, क्योंकि तो क्या हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो सकता है, सुनने की स्थिति में ही ना हो। उसके लिए ये तो सब क्या भाषण शुरू कर देते हैं, जब कोई बात होती है भाषण देने लगते हैं। उसको तो ऐसा लगे कि मुझे तो ये डोमिनेट कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा। तो हम तो उस व्यक्ति में समझ को विकसित करने के लिए जो भी योजना कार्यक्रम बन सकते उसको बनाएंगे, समय रहते बनाएंगे। ऐसा नहीं कि परिस्थिति प्रतिकूल होगी तो बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा छोटा बच्चा है, ठीक है ना। अब अपने को पता है कि अगर इसको बचपन से सही समझ सही भाव के लिए कोई कार्यक्रम योजना न मिले तो आगे चलकर ना समझ व्यक्ति तैयार होगा। तो आज से ही काम शुरू कर देंगे, बजाय जी इसके कि जब वो है ना 18-20 का हो गया और मेरी बात नहीं मान रहा, ठीक, कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और फिर मैं परेशान हो रहा हूँ। ये पहले से दिखाई देता है कि अगर व्यक्ति में समझ नहीं विकसित होगी तो गलती करेगा ही। तो मैं बचपन से समझ के लिए काम करूंगा। वैसे ही जब भी मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूँ मैं उस व्यक्ति का पहले मूल्यांकन करूंगा। कोई मेरा मित्र भी बन रहा है तो उसका पहले मूल्यांकन करूंगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाकर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जॉब के लिए तो मैं पहले उसका मूल्यांकन करूंगा कि यहाँ का वातावरण कैसा है, समझ पे आधारित है या बिना समझ का है। वैसे वैवाहिक संबंधों में देखें तो पहले मूल्यांकन करेंगे। तो अगर हमको खुद में बचपन से ही सही समझ सही भाव
करने का अवसर मिले, सही संस्कार मिले, तो जो भी मैं योजनाएं बनाऊंगा वो सही समझ सही भाव के आधार पर बनाऊंगा, और कोई अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो भी उसमें निर्वाह सही भाव के साथ ही होगा सहज रूप से। जी, मतलब बचपन के संस्कार पर तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है ही, सही, उससे पूरी लाइफ प्रोग्रामिंग हो जाती है। मैं ये ऐसा नहीं भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बचपन से मतलब हो ही अगर हम सकता समझ के लिए काम करें तो सही है। हाँ संस्कार बना रहे। अगर संस्कार नहीं भी ठीक से बना, आज भी काम शुरू कर दें, क्योंकि हाँ आज भी शुरू कर सकते हैं, वो तो पॉसिबिलिटी है, पर जैसे फिर भी हम यदि ध्यान दे तो पेरेंटिंग के ऊपर बहुत आवश्यकता है, या हाँ जो भी अगर हम हमारा। हाँ, जी अगर अपने बच्चे के लिए बनाना है तो आज से बनाएंगे कार्यक्रम, जी नहीं तो अपने को पता ही। देखिए इंटेंशन बच्चे का साउंड है बट कंडीशनिंग अदरवाइज हो रही है, स्कूल में कॉलेज में है ना, अड़ोस पड़ोस में मीडिया में, तो बच्चा तो गलती करेगा ही कल, तो पहले से निश्चित है, ना करे ये एक आश्चर्यजनक बात होगी। हाँ, सही बात है। भैया एक है कि जैसे जब मैं सोचने के लिए बैठता हूँ ना, तो जो संवेदनाएं पढ़ने का काम करता हूँ है ना, तो एक तो शरीर से जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंच रही है, और एक जो शरीर के बाहर की जो सूचनाएं हैं वो मुझ तक पहुंच रही है, तो फंडामेंटली तो वो दोनों जैसे साउंड आ रही है, और एक मेरे शरीर की साउंड है एक बाहर की साउंड है, तो मुझ तक तो वो दोनों एक ही रूप में पहुंच रही है, बट जब मैं उस पर कुछ कंट्रोल करना चाहता हूँ, जैसे मैं मेरे पास आवाज, मैं मान लो हाथ उठाना चाहता हूँ तो मैं उठा सकता हूँ, लेकिन बाहर की जो शरीर से मेरे बाहर की जो चीज है उसको मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, तो मुझे जो मेरे शरीर के होने का जो ज्ञान है तो वो तो कर्मेंद्रिय से ज्यादा मिल रहा है, ज्ञानेंद्रिय से तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही है, और दोनों एक ही रूप में, पता नहीं मैं ठीक से रख पा रहा हूँ या नहीं, नहीं, या बिल्कुल मैं एक ही अभी ठीक से सही। रख देखिए, पा। परस्परता में हर इकाई का अलग अलग प्रभाव होता है। तो जैसे आप भोजन ले रहे हैं, है ना, भोजन में 10 तरह की चीजें पड़ी हैं। इन 10ों चीजों का अपना अपना स्वाद है, उसका अपना अपना प्रभाव है। तो सूचना एक ही प्रकार से आ गया था नहीं। फिर आंखों से एक दृश्य देख रहे हैं, आंखों में बाहर की वस्तु का एक तरह का प्रभाव। तो सूचना ये ठीक है, पर सारी सूचना एक प्रकार की है ऐसा नहीं। एक तो वो बात, दूसरी बात कि अगर मेरे अंदर सही भाव है तो मैं हर एक सूचना का सही मूल्यांकन करूंगा, और जो निर्णय दूंगा शरीर को तो सही भाव के साथ दूंगा। तो इसमें ज्ञानेन्द्रियों या कर्मेंद्रियों में भी कोई अंतर करने की जरूरत नहीं है। भाई अल्टीमेटली मेरा रोल क्या है कि मैं शरीर को संकेत देता हूँ। ये संकेत देने के पीछे मेरा भाव क्या है, समझ है कि नहीं, ये अपने में देखने की बात है। तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करूंगा, अन्यथा मैं प्रतिक्रिया करूंगा। फिर चाहे मैं शरीर को निर्देश दे रहा हूँ, चाहे मैं सूचना ग्रहण कर रहा हूँ। अब जैसे आंखों के सामने कोई दृश्य आया और मैं उससे प्रभावित हो गया, तो हमें प्रतिक्रिया शुरू हो गई। जैसे घर में बैठे हैं और कोई व्यक्ति बोलने लगा जोर जोर से, आवाज कान तक आ रही है, भले ही हम कुछ नहीं कर रहे कर्मेंद्रियों से, ठीक, परंतु अपने अंदर इनर रिएक्शन शुरू हो गया। सुबह उठते ही शुरू हो जाता है आदमी, है ना, क्यों बोलता रहता है आदमी, परेशान करके रख दिया है। अब वो हमारे अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं कि जब हम कुछ अपने आप से निर्णय देंगे शरीर को तभी आराम पाएंगे, या उसी में कुछ हमारी स्वतंत्रता है, नहीं। तो जो मैं शब्द को सुन रहा हूँ वहां भी मैं स्वतंत्र हूँ, तो मैं दुखी हूँ कि नहीं। जी भैया, इसमें हाँ, तो जी इसका कोई मेजर रोल नहीं। मुख्य मुद्दा तो यह है कि जो मैं संकेत ले रहा हूँ शरीर से, या संकेत दे रहा हूँ शरीर को, इसमें है ना आधार क्या है, समझ भाव आधार है या फिर उसका अभाव, ये मुख्य मुद्दा है। ठीक है भैया, तो अब कर्मेंद्रिय हटा दें और जो भाव है अभी उसको करके, हमारे पास जो क्यों सूचनाएं जो आ रही हैं है ना, मेरे में जो सूचनाएं आ रही हैं या जो सूचनाएं मैं निर्णय पूर्वक पढ़ रहा हूँ, तो वो सूचनाएं, कुछ सूचनाएं इन्फॉर्मेशन शरीर से संबंधित है और कुछ शरीर से बाहर है, बाहर की जो जड़ वस्तुएं हैं या और जो चीजें हैं वहां से आ रही है, तो इनमें भेद मैं कर पाता हूँ
जैसे कि ये मेरे शरीर से है और वो मेरे शरीर के बाहर है, कर तो पाता हूँ लेकिन मैं मतलब तार्किक रूप से वो कैसे कर पा रहा हूँ ये नहीं समझ रहा। ये पता तो चल रहा है कि ये मेरे शरीर की सूचना है और ये मेरे शरीर से बाहर की सूचना है। बढ़िया, तो दोनों का निर्वाह कैसे करना है उसके लिए हम मूल में क्यों जाए, भौतिक रासायनिक स्तर पर कैसे सूचना भिन्न है या अलग है उसमें वो मुद्दा ही नहीं। बाहर से कोई सूचना आ रही है तो भी दूसरे का व्यवहार है ना, कोई बाहर की भौतिक रासायनिक घटना है या शरीर में होने वाली कोई घटना है या मुझ में होने वाली कोई कल्पना है विचार है, इन सबको मैं देख पाता हूँ अलग अलग प्रकार से, इनका हाँ मुझ ये पर क्या तो अलग हो प्रभाव जाता है पड़ा भैया, उसके लिए तो देख पाता बहुत हूँ। ये तो बिल्कुल अलग कर पाते हैं कि ये भौतिक रासायनिक सूचना है और ये हमारे भाव और विचार की है, ये तो बिल्कुल अलग कर पाते हैं। लेकिन जो भौतिक रासायनिक सूचना है, कुछ मेरे शरीर से आ रही है और कुछ बाहर से आ रही है, उनमें अंतर की बात मैं सोच रहा था। बट ठीक है, अभी उसका उपयोग नहीं होगा, इसका कोई आगे रूल देखेंगे। नहीं है भाई, चाहे बाहर से आ रहा है चाहे शरीर से आ रहा है, उसके बाद मुझे क्या निर्णय लेना है ये मुद्दा है, उसका निर्वाह मुझे ठीक कैसे बात, करना है ये मुद्दा बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात, ना। थैंक यू भैया। ये बात है कि जितना इतना ऑब्जर्व करेंगे तो शरीर से आने वाली सूचना और स्पष्ट होगी आपको ना, और बाहर से वाली आने वाली सूचना भी स्पष्ट होगी, बट उनके बीच में अंतर करना मुख्य मुद्दा नहीं है। जैसे कोई हमसे कुछ शब्द कह रहा है तो हमको साफ साफ समझ में आता है कि ये ध्वनि है, काने पड़ा, मुझ तक पहुंचा, अब मैं इसको अर्थ दे रहा हूँ। तो पहले इतना स्टेप्स में नहीं दिखता था और हमको लगता था कि इसने कहा कैसे, है ना, देख लो दिखा दो इसको, एक आज ऐसी सबक सिखाओ कि अगले एक बार से कोई मुंह ही ना खोले। अब ये सब हमारे अंदर चलने लगा, अब क्या हुआ, बारीकी आ गई, अब मुझे दिखता है कि ये रिएक्शन मेरे अंदर पैदा हुआ है, तब ऐसा विचार बना है। रिएक्शन में क्यों पैदा हुआ है, क्योंकि चाहना पे शंका है, तो उस पर काम करेंगे कि नहीं। ठीक है भैया, ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बढ़िया भैया, साथी जी। साथी जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया नमस्ते। कल की मेरे जैसे ऑब्जर्वेशन थी तो ये कि जैसे जैसे मेरी विचार चेंज होती है थॉट्स में, और जहाँ मतलब पस्तता बनी रहती है वहां मेरे को थकान तो नहीं महसूस होती है, लेकिन जैसे मेरी विचार बदलती है वैसे ही मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं थक गया। तो मेरी क्लैरिटी कितनी मतलब सही समझ के साथ बनी हुई है उस पे, मतलब ऐसा है कि हमारे को एक थकान नहीं महसूस होती है, और जैसे कोई बाहर से कोई बात आई या कोई भी जैसे ऐसे धुंध बनी उस पे मेरा विचार कुछ ऐसा चला कि जो मेरे लिए ठीक नहीं लग रही है तो मैं थक जाता हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि ये जो है मुझे थका रही है, मेरे को ऐसा मतलब लगता है कि अब ऐसा ठीक है। उसको देखें अपने आप में, ये मुझ में थकान भी हो रही है तो क्यों हो रही है, कहीं विचार स्पष्ट नहीं हो रहा, विचारों में द्वंद बना हुआ है तो क्यों बना हुआ है, उसके मूल में देखेंगे हम क्या हाँ समझ में नहीं हो रहा है। हाँ जो फिर ढूंढ जैसे भैया थोड़ा बना, तो फिर मैंने कहा ये छोटी छोटी बातें ऐसे आती रहेंगी, इसमें क्या इतना उलझना। तो जैसे ही मैंने ये निर्णय लिया तो मेरा को एक मतलब सेकंड भी नहीं लगा कि वो बात मतलब नॉर्मल हो गया, और जैसे ही मेरी वो सही समझ में बनी तो फिर वो जैसे मुझे लगा कि अब मैं नॉर्मल हो गई हूँ, मेरे को याद भी नहीं रही वो बात, और वो मतलब बिल्कुल ठीक हो गई। और इसी तरह से जैसे मेरा विचार सही रहती है तो सारा दिन में ये दिखता है कि चाहे मैं कितने भी घंटा काम कर लूँ मुझे थकान नहीं महसूस होती, चाहे मैं वो दिन में रात में चाहे 3 घंटा भी सोऊं या 2 घंटा भी सोऊं मुझे थकान नहीं महसूस होती है, अपने आप ही जैसे आंख खुल जाती है 4 साढ़े 4 कभी 5:30 ऐसे, मतलब उस उठने के बाद भी मुझे ये नहीं लगता है कि मुझे और सोना है या मुझे थकान महसूस हो रही है। तो मतलब एक लगता है जैसे बहुत हल्का रह रहे, ये भी भैया ऐसे लगता है, क्या ये ठीक है भैया? तो अच्छी बात है अगर हल्का महसूस कर रहे हैं, थकान नहीं हो रही है ना। हाँ हल्क बहुत भैया, बहुत लाइटनेस रहती है, और जो एक विचारों में भी भैया बहुत फटाफट फटाफट जैसे ना जैसे कहते हैं नए नए जैसे नई क्रिएटिविटी के साथ जैसे नए नए थॉट्स जैसे आइडियाज मतलब अच्छे अच्छे जैसे बहुत हल्के हल्के ऐसे आते हैं और फटाफट वो रिजोल्व हो जाती है, और उसमें भी जैसे लगता है कि ये आइडिया कहाँ से आ गया या ये बात कहाँ से आ गई अचानक से, ये तो पहले नहीं था। तो ये जब ये भी चीज इसके साथ भी भैया लग रहा है कि जैसे बहुत हल्कापन होता है जैसे मतलब जैसे बहुत एकदम वेस्टेज से बिल्कुल अब साइड हो गई, ये भी भैया दिखता है ऐसे।
जी मतलब ये बढ़िया बात है, परंतु आप इसमें ये देख लें कि हम इसके लिए कुछ अपने आप में कुछ फॉर्मूला बनाकर अपने को रिजॉल्व कर लेते हैं या समझ कर रिजॉल्व करते हैं। जैसे हो सकता है हमने कुछ चीज अपने आप में तय की है कि इस आदमी को इग्नोर करो, ठीक है, अब ये समाधान नहीं है। तो हमें ठीक दिखे कि इस आदमी का इंटेंशन भी प्योर है, योग्यता की कमी है, इसलिए मुझे इसके साथ कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होना है तब तो ये समाधान है। अदरवाइज हम बहुत सारे थंब रूल्स बना लेते हैं, इस व्यक्ति को सुनना है, इसको सुनना ही नहीं है ना, इधर जी देखना ही नहीं है, उस बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक, जी जो बीत गई सो बात गई। अभी ऐसे बहुत सारे हम शॉर्टकट्स ट्रिक्स निकालकर अपने आप को आराम पहुंचाते रहते हैं, बट वास्तव में देखें तो समाधान नहीं है। जी भैया, जी समाधान तो भैया, तब है जब हमें मूल बात समझ में आ जाए, तो फिर हमारे अंदर कोई भय नहीं होगा, कोई शंका घबराहट नहीं होगी। अदरवाइज जैसे ही वो विचार आएगा हम तुरंत अपना वो पुड़िया खोलेंगे कि भाई है ना, कुछ कहो कुछ करो, नहीं तो फिर ये बात बिगड़ेगी अंदर ही अंदर। हाँ जैसे अभी लग सकता है कि भाई जैसे ही थोड़े परेशान हो टीवी चला के बैठ जाओ, ठीक, या कुछ चाय कॉफी पी लो, या प्राणायाम, थोड़ा प्राणायाम कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, ठीक। कभी लोग परेशानी को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके तो आजमाते ही रहते हैं। इतना सारा ड्रिंकिंग जी क्यों बढ़ रहा है समाज में? लोगों को लगता है कि इतना जो अंतर्द्वंद झेल रहे हैं ये तो हमसे रिजॉल्व होगा नहीं, तो बस ड्रिंक करो सो जाओ, ये कॉमन सा अभ्यास बन गया है लोगों में। तो अभी हम फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हम टेक्निक्स निकाल लेते हैं अपने आप को रिजॉल्व करने के लिए या अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए, और तो समाधान है नहीं। तो ये भी हमको देखना होगा कि हम आराम पा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट किस आधार पे पा रहे हैं ये भी नोट करेंगे। नहीं, ऐसे तो नहीं कि मैं किसी चीज को मतलब सहारा लेके वैसे करती हूँ भैया। हाँ, उसमें देखती हूँ कि पीछे मेरा क्या मान्यता है, या फिर मेरा क्या इसमें संस्कार है, या क्या इसकी वास्तविकता पीछे है, उसको देखने की कोशिश करती हूँ। काफी हद तक इसमें समाधान हो जाती हूँ, पर कहीं कहीं जी जहाँ तो मतलब लगता है कि अभी यहाँ पे काम करने की जरूरत है तो ध्यान जैसे जाती है, बट वही है कि बहुत जैसे बारीकता से ठीक बहुत है, ठीक है, ध्यान देना देखो पड़ता है उसको कि उसको करते देख। चले, जी जी उसको करते भैया, चले और अपने हाँ आप में जी, जांचते भी चले, परेशानी जी भैया, की जी भैया, परेशानी इतनी बढ़ जाए कि शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, और ऐसा ही नहीं कि हम है ना फॉर्मूले से जीते रहे, नहीं, हम उसके मूल में जाकर जो मूल मुद्दा है संबंध का, व्यवस्था का, अस्तित्व का, उसको देखने समझने का प्रयास करेंगे। बट ये तो अच्छी बात है कि अभी पहले से तो बेहतर स्थिति बनती जा रही है, उसको पूर्णता तक ले जाना है। जी भैया, इसमें और देखते हैं मतलब ये जो मूलतः की भैया बात करें ना, जो मतलब एकदम वो रूट में जाके उसको देखना और उसको वही समझना, क्या, सही समझ बिल्कुल में जी ना, ऐसे ना भैया, जी, बिल्कुल है ना, जैसे रूट कॉज में जाके एकदम कि उसमें क्या है, मतलब उसको उसको देखना। यहाँ तक तो भैया हो पा रही है, पर उसमें ये लगता है कि जल्दबाजी नहीं, बहुत मतलब धैर्यता के साथ, यहाँ लगता है कि बहुत धैर्यता के साथ करने की जरूरत है ये ओके okay, ओके चीज़ें। इसमें क्या है, समस्या के मूल कॉज में नहीं जाना है मगर अपने को, समस्या के मूल कॉज में नहीं जाना है, जो पूरी घटना है उसके मूल में जाना है। तो समस्या में तो हमने उसको समस्या अर्थ दिया हुआ है पहले से ही, तो उसके मूल दिया में हुआ है, जाएंगे तो फिर हम हाँ उसकी गलती की उसकी गलती उसी में लग जाएंगे। जी, लेकिन बट यदि हम हम वो घटने के मूल में जाएंगे तो हमको यही दिखाई देगा कि सबकी चाहना शुद्ध है, जी योग्यता की सबकी कमी है, मेरी जी भी कमी रही, अगले की भी कमी रही, उस कारण से घटनाएं प्रतिकूल होती चली गई। तो जी भैया, ठीक है भैया, इसमें घटना और के क्या। पीछे फिर हमको नियम दिखाई देगा, ये नियम ही है कि बिना समझ के जीते हैं तो गलतियां करते ही हैं। ठीक है भैया, ध्यान देते इसमें और भैया। तो कल हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से मैं दृष्टा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, तो मैं देखता हूँ आवश्यकता अनुसार, मैं शरीर को देखने के लिए प्रयोग भी करता हूँ, इंद्रियों का प्रयोग करता हूँ, देखने का निर्णय भी मैं ही लेता हूँ, इस प्रकार मैं ही दृष्टा हूँ। तो ये बात तो आपको और स्पष्ट होगी है ना, इस स्टेप में अभ्यास करते हुए कि कोई भी मैं निर्णय दे रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ, कोई भी मैं सूचना पढ़ रहा हूँ, सारा निर्णय मेरा है।
तुम्हें करने का निर्णय लेता हूँ, आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को करने का संकेत भी देता हूँ। इस प्रकार मैं ही करता हूँ और वो मैं ही हूँ जो सुखी दुखी होता हूँ। शरीर में तो जड़ घटनाएं होती हैं, जैसे हृदय की धड़कन बढ़ गई है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये तो फिजियोकेमिकल चीजें हैं। मैं घबराया, परेशान हुआ, मैं एंग्जियस हो गया, चिंतित हो गया ना, मुझ में आवेश बढ़ गया, तो सब मुझ में हुआ, उसका परिणाम शरीर पे आया। या शरीर में कुछ कट फट गया, उससे दुखी परेशान मैं हुआ, शरीर नहीं, तो ये दिखाई देगा कि मैं ही भोगता भी हूँ, शरीर में तो जड़ क्रियाएं हो रही है। तो ये बात हम इसको और बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे और इस स्टेप में देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि मेरा रोल क्या है। कि जैसे आपको स्टेप 4 एक्सरसाइज 1 को करते हुए दिखा था कि अपने भाव का निर्णय मैं ही लेता हूँ, वैसे यहाँ भी दिखाई देगा कि सारे निर्णय तो मुझ में ही होते हैं, शरीर तो साधन मात्र है कि नहीं। ये बात हमें स्पष्ट है कि सारे निर्णय तो मैं ही लेता हूँ, शरीर तो साधन मात्र है। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ऋषिराज जी का एक प्रश्न है चैट बॉक्स में। मैं की V2 ब्लॉक की सभी क्रिया भी थकाती है, शारीरिक थकान लाती है, इससे पता चलता है कि यह भी शरीर का ही हिस्सा है, बस ये दिखाई नहीं पड़ता। V1 ब्लॉक इससे कुछ अलग है, क्रिया की संपन्नता के आधार पर। इसको और बारीकी से देखें कि V2 ब्लॉक शरीर का हिस्सा है या आप में ही है। समझ के अभाव में एक प्रकार से क्रियाशील होता है ऋषिराज जी, समझ के साथ दूसरे प्रकार से क्रियाशील होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर थकान हो रही है तो मैं का हिस्सा, शरीर का हिस्सा हो गया। थकान इसलिए हो रही है क्योंकि हारमोनी नहीं है, लय नहीं है, सही भाव सही समझ के आधार पर नहीं। जी बढ़िया। अजय भैया लिख रहे हैं कि आपके स्टेटमेंट ने मुझे हाथरस वाली घटना की अस्वस्थता से छुटकारा मिल गया। जी बढ़िया। तो गृह कार्य के रूप में देखें निर्णय कौन लेता है, तो शरीर को किसी एक स्थिति में रखना है, फिर देखना है कि संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है। शरीर की स्थिति बदली तो कैसे बदली, मैं के निर्णय से या बिना किसी निर्णय के। जैसे आप कहीं बैठ जाइए, किसी एक पोस्चर में बैठ जाइए, पालथी मार के बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, है ना, टेक लगा के बैठ जाइए, लेटने से अच्छा कि बैठ जाए, क्योंकि लेटते हुए तो थोड़ा आलस्य आ जाएगा, तो देखना थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप किसी एक पोस्चर में बैठ जाइए और देखिए कि शरीर अपने आप हिलडुल जाता है या उसके पीछे आपका निर्णय होता है। आप बैठेंगे ना, 10 मिनट बाद ऐसा लगेगा कि अब पैर जो है जकड़ना शुरू कर दिए, आप अभी बैठे रहिए, फिर आपको देखेगा इसमें संवेदना बड़ी तीव्र हो रही है, तो झन्ना आ रहा है बिल्कुल, अभी भी आप बैठे रहिए, फिर आपको देखेगा अरे ये तो लगता है काठ का हो गया ना, इसमें तो कोई लोचापन तो बचा ही नहीं, तो बिल्कुल रिजिड सा हो गया है, और कहीं ऐसा ना हो पैर ही टूट जाए मेरा, कहाँ फंस गए हम, बैठे हुए हैं और पैर भी नहीं खोल पा रहे, हिलडुल भी नहीं पा रहे, आप अभी भी बैठे रहिए। आप देखेंगे कि आप ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक आपका निर्णय न हो जाए कि पैर को खोलना है या पोस्चर बदलना है या आगे झुक जाना है या पीछे झुक जाना है या हाथ से सपोर्ट लेना है ना। बिना आपके निर्णय के पैर खुलेंगे नहीं। किसी पॉइंट पर हमको ही लगता है कि अरे हो गया बहुत, है ना, अब तो पैर खोलो। अगर आप इसको ठीक से करेंगे तो आप पाएंगे कि एक समय तक तो लगता है संवेदना बहुत तीव्र हो रही है, पैर कहीं टूट ना जाए, बिल्कुल काट का ना हो जाए, कुछ शरीर में रोग ना उत्पन्न हो जाए, कोई परमानेंट डैमेज ना हो जाए, और एक समय आप पाएंगे कि संवेदना खुल जाती है ना, एकदम शीतल सा आपको महसूस होगा। तो एक समय तो बहुत ही तीव्र और बहुत ही, है ना, एक तरह की संवेदना आएगी, कुछ समय बाद आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल घुल सा गया, अभी भी आप पैर मत खोलिए। अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि तो शरीर में बहुत ही सारी क्रियाएं हो रही हैं, कभी तीव्र हो जाती हैं, कभी मध्यम हो जाती हैं, कभी एक प्रकार से होती है, कभी दूसरे प्रकार से होती है। जैसे आपको भूख लग रही हो और आपको लगे कि अब तो भोजन मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, ठीक, अब मत कुछ खाइए। थोड़े समय आपको दिखेगा कि कोई बॉडी में सिक्रीशन हो रहा था, वो लग रहा था जरूर, परंतु तो हो सकता है कि ऐसा नहीं कि प्राण ही निकलने वाला था,
हमने उसको अर्थ दिया हुआ था ऐसा कि प्राण निकल जाएंगे, थोड़े समय बाद वो भूख शांत हो गया। तो आपको दिखेगा कि शरीर से अगर कोई भी हरकत मैं करता हूँ तो अल्टीमेटली वो मेरे निर्णय के साथ ही होता है। जी, तो इसको हम लोग विधिवत करके देख सकते हैं। जी, एक बार क्लिक करिएगा। वैसे ही शरीर के साथ हर आदान प्रदान में देखें कि निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर। जैसे नियमित कार्य करते समय सुबह उठना, तैयार होना, घरेलू कार्य करना, ऑफिस के नियमित कार्य करना, चलना फिरना, भोजन करना, लेट जाना, बैठ जाना, उठ जाना, खड़े हो जाना, सो जाना, सारे कामों करते हुए देखना। तो जैसे हम लोग अभ्यास एक में ये अभ्यास कर रहे थे ना, मैं और मेरा भाव, ठीक है ना, वैसे यहाँ पे देखना है अपने को, मैं और मेरा शरीर। तो कभी भी ध्यान जाए तो मैं और मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर। देखो मैंने शरीर को बैठाया, शरीर को उठाया, शरीर को चलाया, मुंह में भोजन डाला, मुंह से उसको चबाया, बाकी अपना शरीर काम कर रहा है, मेरी स्वीकृति बनी हुई है। तो इसको काम को धीरे धीरे करते हुए, है ना, या आपकी ऑब्जर्वेशन शार्प हो जाए तो कुछ भी करते हुए, तो मैं और मेरा शरीर, इस होश को बनाए रखना अपने आप में। दिन भर जब भी कुछ करना है आज के लिए, उसको एक असाइनमेंट ग्रुप में अपलोड करना है कि मुझे कुछ भी करना है तो मैं और मेरा शरीर, है ना, मुझ में क्या हुआ, शरीर में क्या हुआ, चोट लगी तो ऐसा नहीं कि अरे मुझे चोट लग गई, नहीं, मेरे शरीर को चोट लग गई, भूख लगी तो ऐसा नहीं मुझे भूख लगी है, मेरे शरीर को भूख लगी है, ऐसा नहीं कि नींद आ रही, नहीं, मेरे को शरीर को नींद आ रही है, मेरे शरीर को नींद आ रही है। इस होश को बनाए रखना अपने आप में, ये ठीक रहेगा। ये असाइनमेंट अगर किया जाए कि हर क्षण अपने आप में इस बात को देखना है, दोहराना है कि देखो शरीर में हो रहा है, उठना है तो मुझे अपने शरीर को उठाना है, बैठना है तो मुझे अपने शरीर को बैठाना है, खड़े हैं पैर में थकावट हो रही है, कंपन हो रही है, तो मुझे शरीर को बैठा देना है। तो एक होश तो हमारे अंदर बना रहे हैं कि मैं और मेरा भाव, वैसे एक होश बना रहे हैं कि मैं और मेरा शरीर। इसको विधिवत जितना करेंगे आप उतना अपने प्रति होश बढ़ेगा और शरीर से आपका संबंध भी आपको दिखाई देगा। अभी आम बोलचाल में तो हम लोग अलग अलग नहीं कहते हैं, है ना, कि मेरे शरीर को भूख लग रही है, यही कहते हैं भाई भूख लग रही है दे दो, है ना, कुछ जल्दी दे दो, प्यास लग रही है पानी चाहिए, किसको लग रही है, आपको या आपके शरीर को, नींद आ रही है, किसको नींद आ रही है, आपको या आपके शरीर को। तो अपनी दिनचर्या में कुछ भी करते हुए देखना है, इसको अपने आप में होश को बनाए रखना है। वैसे ही अचानक किसी घटना पे कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जैसे कोई आवाज आई, कोई स्पर्श हुआ, कोई दृश्य सामने आया, तो भी मुझ में क्या हुआ, शरीर में क्या हुआ, मेरे और शरीर के बीच क्या हुआ, इसको करके देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। अभी है ना, अपने आप को शरीर मान के जीने का अभ्यास इतना गहरा है ना कि हम सुबह में रोज 1 घंटा सुने बट फिर भी बाकी 23 घंटे बेहोशी में निकल जाते हैं। तो हमने सुना ना, थोड़ा इस समय होश बना, फिर जैसे अपनी दिनचर्या में गए वही ढर्रे में आ गए हैं। जैसे ऐसा हो जाता ना कि अगर कच्ची सड़क हो और उसमें से गाड़ी निकल जाए तो खांचे बन जाते हैं, खासतौर पे बैलगाड़ी जिसका पहिया बहुत पतला होता है तो खांचे बन जाते हैं। फिर आप पाएंगे कि बारिश चली गई, अब वो कच्ची सड़क में खांचे बने हुए हैं, अब कोई भी अगली बार बैलगाड़ी लेके जाएगा तो पहिया उसी खांचे में फंस जाता है। तो ऐसा ही एक खांचा है अपने आप को शरीर मानने का। तो जब हम अपनी दिनचर्या में होते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि मैं क्या है, शरीर क्या है, और उसी खांचे में विचार चलने लगता है। इसको देखना शुरू करेंगे, इसको अपने आप में, जैसे अभी बात होती है कि हर 4 घंटे का ऑब्जर्व करें, तो अभी हमने सुबह किया, फिर हम 4 घंटे बाद इसको बैठ के फिर से ऑब्जर्व कर लें, मुझ में क्या हुआ, पिछले 4 घंटे में शरीर में क्या हुआ, फिर 4 घंटे का ऑब्जर्व करें। करते करते ये धीरे धीरे हर 1 घंटे पे आपको ध्यान में आएगा, करते करते हर 1 मिनट पे ध्यान में आएगा, करते करते हर क्षण ध्यान बना रहेगा। इसको करें, काफी एनरिचिंग है ना, इससे आपका
अपने प्रति होश भी बढ़ेगा और शरीर के साथ जो आपका जुड़ाव है, चिपकाव है ना, उसके कारण बहुत सारा भय है, शंका है, परेशानी है, द्वंद्व है, उससे भी निकल पाएंगे। जैसे एक सामान्य सब है, शरीर गया तो मैं गया, शरीर में कुछ हुआ तो मेरा बिगड़ गया, शरीर को कुछ मिला तो मैं बन गया, ऐसा नहीं है। तो अभी हमारा जीना शरीर सापेक्ष इतना ज्यादा हो जाता है कि हम अपने आप को शरीर मान के ही जीते हैं और इसलिए सुविधाओं को सुख मान लेते हैं। तो पूरे समय देखें तो अपने लिए भी सुविधा और शरीर को लेकर विचार चलता है, अपने संबंधी के लिए भी वही चलता है। तो किसी की ओर देखते भी हैं तो शरीर मानकर, अपने बच्चे को देखते भी हैं तो शरीर मानकर, अपने परिवार के सदस्यों को देखते भी तो शरीर मानकर, समाज की ओर देखते हैं तो दूसरों को शरीर मानकर। जैसे ही शरीर मानते हैं तो सुख का स्रोत बनता है सुविधा, तो फिर सुविधाओं से सुख जुटाने में लग जाते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो अभी आप देखें तो समाज में बहुत सारा काम हुआ समाज को सुखी करने का, परंतु चूंकि यही स्पष्ट नहीं है कि मानव क्या है, तो मानव को शरीर मान लिया, इसीलिए सुविधाओं को सुख मान लिया, इसीलिए सबको सुख मिले, इसके लिए सबको सुविधा बराबर मिले, इसके लिए बहुत सारा हमने प्रयास कर डाला, वो हुआ नहीं पूरा, क्योंकि तो मूल में बात ही स्पष्ट नहीं है। तो अगर इस काम को आप ठीक से कर पाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी वैचारिक स्पष्टता भी बनेगी, भाव तो स्पष्ट होगा ही, बहुत सारे मुद्दों पे आपको वैचारिक स्पष्टता भी बनेगी और अपने आप में तो ये सूक्ष्मता बनी रहेगी देखने की। जी दीदी, एक बार और क्लिक करिएगा। वैसी गहरी सोच में बने रहते हुए, आप देखिए आप किसी गहरी सोच में बने हुए हैं तो आप क्या कर रहे हैं, शरीर क्या कर रहा है, आपके और शरीर के बीच क्या चल रहा है, और थोड़ा सा बता दें कि गहरी सोच में होना एक बात है ना, उलझन में होना एक दूसरी बात है। तो जैसे डीप थिंकिंग कर रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इन दोनों को भी अलग अलग देख सकते हैं। कि ओवर थिंकिंग करते हैं तो शरीर में क्या होता है, डीप थिंकिंग करते हैं तो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करते हैं तो क्या होता है, इन सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है ना, इसको हम देख लें। देखें कि दिन भर में कितनी बार, कितनी देर शरीर के साथ सूचना का आदान प्रदान करता हूं और कितनी देर में स्वयं में क्रियाशील हूं। तो सूचना का आदान प्रदान कितनी बार हमने किया और कितनी बार है ना, ये कितनी देर तक मैं स्वयं में क्रियाशील रहा, इन सबको ऑब्जर्व करें है ना। ये एक छोटे से स्लाइड पे बहुत सारी बातें लिखी हैं, अगर आप इस पर ठीक से ध्यान देंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में पहुंच पाएंगे, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, समाज में जो आपको भागीदारी करनी है उसके लिए भी, पूरे मानव इतिहास के लिए भी, मानव परंपरा के लिए भी, कि आगे क्या करना है उसके लिए भी कर पाएंगे, पीछे क्या हुआ उसको भी कर पाएंगे, है ना। अपने आप को शरीर मान के जीते हुए हम बहुत भटके हैं, आगे भी शरीर मान के जिएंगे और भटकेंगे। कि टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ा दी जाए ताकि लोग सभी सुखी हो जाएं, ये होने वाला नहीं है, ताकि सबके साथ न्याय हो जाए, ये होने वाला ही नहीं है। इसलिए देख रहे हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, उससे उसका सदुपयोग किया है तो बहुत अच्छा है। जैसे उसी जूम के माध्यम से हम 300-400 लोग हर दिन सुबह जुड़ जाते हैं, कुछ सार्थक समय लगा पाते हैं, घंटा 2 घंटा, है ना, इतना अच्छा सदुपयोग है। परंतु अगर यह सदुपयोग स्पष्ट ना हो तो बहुत समस्या कारक है। तो इन सबको देखें, अपने आप में ऑब्जर्व करें, कुछ हैंड्स रेज हैं, प्रश्न लेता हूँ, समय की थोड़ी सीमा है, संक्षेप में ले लेंगे प्रश्नों को। सर, जब मैं अपनी सही समझ के ऊपर काम करती हूँ तो ऐसे लगता है कि वो नेचुरल टेबल के बेस पर है, कि मेरे लिए क्या वो सही है या दूसरे के लिए सही है, फिर या फिर सब जगह सही है। तो इस तरीके से जब मैं वेरीफाई करती हूँ और एक इंडिविजुअल के लिए वो सही नहीं, तो सबके लिए सही होना सही रहता है। तो ये समझ पर जब मैं वेरीफाई करती हूँ किसी भी घटना को, किसी को भी, तो उस पे ऐसे लगता है कि हाँ सही समझ काम कर रही है। पर कई बार
ये समझ काम नहीं करती। जब मैं वेरीफाई करने लगती हूँ तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो कहीं मैं अपना फायदा देख रही, तो वो चीज मेरे से नहीं निकल पाती कि मैं हर समय अपना ही एक जो फायदे प्रॉफिटेबल चीज है उसके ऊपर रुक के उस समझ को जब वेरीफाई करती हूँ तब बड़ी कंट्राडिक्शन होती है। तो यहाँ पर तो हर इंसान, जब हर कोई अपने फायदे के लिए काम कर रहा तो फायदा देखने से तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ आके मेरी कंट्राडिक्शन रुक जाती है कि यहाँ पर आके आगे पीछे कहाँ मेरे को होना है। देखिए, तो अभी आप जिस आधार पर मूल्यांकन करने का प्रयास कर रही है ना, वो बाहर देखने के आधार पर है। अच्छा, बाहर देखने के आधार पर। अगर आप स्वयं में जांचें अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर, उसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे कोई उदाहरण दीजिए तो यही बात हो जाएगी। पर फिर मैं जब देखती हूँ कि सारे लोग तो अपने हाँ लाभ के लिए काम कर रहे हैं, फिर मैं जब अपने लाभ के लिए नहीं काम करती फिर वहां मैं अपने आप को नासमझ समझती हूँ। यहाँ पर एक देखिए, बात आ जाती है। मुद्दा बेसिकली लाभ का नहीं है जिससे हमें सुख मिलता है, मुद्दा समृद्धि के भाव का है। मुद्दा अच्छा जी जी सही है। है मानव के साथ संबंध में न्याय का है। उसको भी हम पूरा ना करें और वो भी ना कर पाए जो दूसरे कर रहे हैं, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन में तो जाएंगे ही। तो ठीक है दूसरा लाभ उन्माद में फंसा हुआ है, हमको लगता है ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। बट मुझे भी अपनी सुविधा की ना तो आवश्यकता स्पष्ट है, ना सुविधा की आवश्यकता को पूर्ति करने की क्षमता स्पष्ट है, ना मुझे ना उसका कार्यक्रम स्पष्ट है। तो हम ना ये ठीक है पूरा कर पा रहे हैं ना वो पूरा कर पा रहे हैं, फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन में जाएंगे। अदरवाइज यदि हम समृद्धि के भाव को सुनिश्चित करें तो हम अपने आप में आराम में रहते हैं, दूसरे का मूल्यांकन भी कर पाते हैं। मुझे तो लाभ में सुविधा तो बहुत मिल रही बट सुख नहीं मिल पा रहा। हाँ तो लाभ एक समय पर उन्माद में चला जाता है, तो हमसे प्रभावित भी नहीं होते हैं। फिर वो आउटर सेल्स से प्रभावित हम इसलिए होते प्रभावित हैं नहीं होते। क्योंकि हमको समृद्धि का कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है। तो सर वेरीफाई करने का और एक क्वेश्चन और था मेरे साथ कि जब नहीं, हम ये को बात स्पष्ट एग्जिस्टर हुई कि जी नहीं, ये हाँ बात स्पष्ट स्पष्ट हुई कि हुई। नहीं कि हम लाभ को तो नकार दे रहे हैं बट हाँ समृद्धि स्पष्ट नहीं है, हाँ तो हम समृद्धि कौन? स्पष्ट अगर हो गया। हाँ तो म्यूचुअल समृद्धि स्पष्ट हैप्पीनेस है, आई है अगर समृद्धि का भाव स्पष्ट सही है है, उसको पूरा कर लेंगे। मजे की बात सही क्या है, है। सुविधा की आवश्यकता सीमित है, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने में समर्थ है, ठीक जी है ना। इसके लिए जो भी स्किल अक्वायर करना है कर लें, उसको पूरा कर लें, सही विधि से पूरा कर लें। फिर हम हर एक संबंध में देन देन के भाव से जिएंगे। हाँ तो म्यूचुअल हैप्पीनेस और जी म्यूचुअल प्रायोरिटी यही डिफाइन हो जाती है कि अगर बिल्कुल, हमें ये चीजें स्पष्ट हो जाए सही समझ के साथ तो वो ऑब्वियसली हम कंट्राडिक्शन आउटर इफेक्ट से दूर हो जाएंगे। और क्या जी। हाँ सर एक प्रश्न और था कि जगह देखिए, जब हम एग्जिस्टेंस को देखने जाते हैं अस्तित्व को देखने जाते हैं तो तीनों ऑर्डर से अस्तित्व में है, तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला अस्तित्व तो हमारा अपने अपने अगर हम उसको देखने जाएं तो शरीर के सारे ऑर्गेनिक अपने आप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एक रियलिटी और फैक्ट है। अगर हम इस दृष्टा भाव से अपने शरीर से शुरू करें और फिर स्वयं का शरीर के साथ जो को एग्जिस्टेंस है उसको देखें तो वहां पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, तो उसमें शरीर की जरूरत और सेल्फ की जरूरत पता चलती है कि वो एक निरंतर उसको सुख की चाहना है और शरीर को अपनी बेसिक नीड्स की चाहना है। तो यहाँ पर जब हम दोनों को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके साथ हम हमारा नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस को जब हम एक्सप्लेन करने जाते हैं तो ऑल थ्री ऑर्डर्स आर एग्जिस्ट विद ईच अदर, तो वहाँ जी हम अभी ये तो, चीज हाँ देखते। हाँ जी सर ठीक अभी देखिए, आराम आराम से चलें इसको। पहले इसको आप बारीकी से ऑब्जर्व करिए, है जब चैतन्य और जड़ स्पष्ट होगा तो बाकी अवस्थाएं भी स्पष्ट होगी। नहीं तो फिर हम जी उसको निर्वाह के स्तर पर पहचानने जाएंगे और फिर कहीं कम कहीं ज्यादा लगेगा। तभी अच्छा तो ये स्क्रिप्ट जो है ना, अभ्यास दो के इसको विधिवत करें, तो जी। हमें पूरी प्रकृति की व्यवस्था भी स्पष्ट होगी, उसमें जड़ का क्या रोल है, चैतन्य का क्या रोल है, ये भी स्पष्ट होगा। अच्छा नहीं तो इसको फिर वो मान्य डीपली नहीं रह जाएगा।
जी अभी तुम अपने आप में ऑब्जर्व करने का मुख्य है ना, सूचना तुम्हारे पास आ गई है हाँ जी बट उसे समझना शेष हो सकता है। बढ़िया हाँ दीदी, इसको वही तो कंटिन्यू करूँ जी? आज के लिए असाइनमेंट रहेगा, अब इस जी देख रहा हूँ समय हो चला है, हमें कंक्लूड करना होगा, कल और प्रश्नों को ले जी सकते हैं।